ये जो मकबरा आप सामने देख रहे हैं, ये मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक का ही मकबरा है। गयासुद्दीन तुगलक ने जीते जी इस मकबरे को बनवाया था। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, एक्चुअली में इस जगह पे नदी हुआ करती थी, जो कि इस पुल के थ्रू किले को मकबरे से कनेक्ट करता था। तो ये जगह गयासुद्दीन तुगलक ने अपने जीते जी ही बनवाई थी, और उसके मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक भी यहीं पे दफन हुआ। तो हम लोग पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, लेकिन वो दफन कहाँ पे है मेरे ख्याल से ये शायद किसी को पता नहीं होगा। तो ये एक अलग सी चीज है जो कि आपके शहर दिल्ली में होते हुए भी लोगों को आइडिया नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं कि टर्किश शैली का ये मकबरा आज भी कायम है, काबिज है अपनी जगह पे। और बहुत ही कम लोगों को पता है कि ऐसी भी जगह दिल्ली में है। बहुत ही तरीके का बना हुआ और ASI द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से मेंटेन किया गया यह मकबरा। बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। तीन तरफ से दरवाजे ओपन हैं, लेकिन ये वेस्ट दरवाजा है जो कि क्लोज है, जिसको कि मान्यता के हिसाब से के जो मुस्लिम्स की जो पावन जगह है मक्का मदीना, वो इस तरफ है। तो आप कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे जाएंगे और मकबरा देखेंगे तो इसी टाइप का ही आपको कंसेप्ट दिखेगा। तो ये मसोलियम होने के साथ साथ में एक तरह से पूजा की जगह के हिसाब से भी बनाया गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक का स्ट्रक्चर था। ये मोहम्मद बिन तुगलक, और कहते हैं कि ये गयासुद्दीन तुगलक की जो वाइफ थी, ये उनका मकबरा, ये उनका स्ट्रक्चर है। पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।